चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग कुछ कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए, ये तो सबको पता है कि एल्कीन है, और एल्कीन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हम लोग करते हैं बाय यूजिंग वेयर्स रिएजेंट। क्या है वेयर्स रिएजेंट? डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4 आइस कोल्ड, कौन सा? इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। और KNO4 का कलर कैसा होता है? पर्पल। कैसा कलर? पर्पल। तो एक्चुअल में जब हम लोग एल्कीन में इसको डालते हैं तो डी कलराइजेशन ऑफ KNO4, तो इसका डी कलराइजेशन मतलब अपना कलर चेंज कर रहा, मतलब ये रिएक्शन इन्वॉल्व है, इसका मतलब इसका रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट, अगर एल्कीन में ए डालते हैं विथ निकल, निकल के बिना ना विथ निकल, तो वेरी आसान रिएक्शन है। डिफिकल्ट या आसान? वेरी इजी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। और थ्री, आप लोग जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक आध लेक्चर फॉलो किए हैं, एक कॉपी बना लीजिएगा, हेडिंग क्या रहेगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ से लेक्चर वन से फॉलो करना स्टार्ट कीजिए जो भेजे हैं। 5 ही वीडियो है, आपको 10-12 दिन का टाइम दिया हूँ, उसके बाद फिर इस ब्लॉक का भेजूँगा, और इसको पूरा प्राइवेट कर दूँगा, ठीक है? इसलिए 12 दिन में टाइम निकाल कर देखिए, धीरे धीरे हो जाएगा ना। अब ज़्यादा नहीं, हार्डली 1 आवर का लेक्चर होगा, इनऑर्गेनिक 1 आवर से ज़्यादा पढ़ाता ही नहीं हूँ, बोर हो जाते हैं, रट्टा मारना है। चलिए 56 मिनट ऐसे ही लेक्चर है, 45 मिनट्स का लेक्चर है। एक वेरी इजी रिएक्शन, 3 ब्राउन गैस का नाम बताइए। ब्रोमीन वेपर, NO2 गैस, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2 Cl2। ये 3 को याद रखिएगा। इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। कौन कौन सा? क्रोमाइल क्लोराइड, ये तो टेस्ट पढ़ना था 12th में, क्रोमाइल क्लोराइड, उसके बाद NO2 और Br2। तो एक्चुअली में इसमें Br2 डालते हैं और CCl4 के साथ मिलाकर, तो यहाँ पे क्या होता है? डी कलराइजेशन ऑफ Br2 वेपर, मतलब ये एल्कीन का करेक्टर दिखा दिया, करेक्ट। तो इनिशियल टाइम पे क्या रहा होगा? डायरेक्ट एरोमेटिक सिस्टम तो इन्वेंशन में आया नहीं होगा, तो पहले यहाँ पे आपका रहेगा कि C डबल बॉन्ड C यहाँ भी है और C डबल बॉन्ड C यहाँ भी है, तो दोनों जगह पे C डबल बॉन्ड C देखते हुए आपका एक्सपेक्टेशन तो इनिशियल फेज में यही रहा होगा कि जैसा एक कैरेक्टर शो करता है वैसा ही इसको भी करना चाहिए, है ना? पर जब इसमें वेयर्स रिएजेंट, सेम कंडीशन, डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4 आइस कोल्ड, नो डी कलराइजेशन, मतलब अब यहाँ पे देखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसके साथ KNO4 रिएक्शन नहीं करता है, मैंने क्या बोला? डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4 आइस कोल्ड, राइट, जिस कंडीशन पे उसको ट्रीट कर रहे हैं। फिर NiS2 रिएक्शन तो होता है बट वेरी ड्रास्टिक कंडीशन पे, इसका रिएक्शन हो रहा है 25 डिग्री पे, रूम टेम्परेचर सिंपली, और वही सेम यहाँ रिएक्शन कीजिएगा तो 600 डिग्री प्लस में होगा। इसका मतलब कंडीशन क्या, नॉर्मल है या ड्रास्टिक कंडीशन है? यहाँ पे रिएक्शन होता है बट वेरी डिफिकल्ट, वेरी, भाई ये कुछ ऐसा बात है ना कि मान लेते हैं कि आपको बोला जाए, लेट अस सपोज कि भाई हिमालय के उस तरफ लाइफ अच्छा है, किस तरफ?
यस, अब कोई एरोप्लेन नहीं है। तो हिमालय के उस तरफ लाइफ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन आपको बस हिमालय पर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक्टिवेशन है जो क्रॉस करना पड़ेगा, राइट? एनर्जी लेवल इज वेरी हाई। तो सेम बात है, ये पता है कि प्रोडक्ट बनने से वो प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा, प्रोडक्ट बनकर वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, बट प्रोडक्ट बनना तो पड़ेगा। अब प्रोडक्ट जिस कंडीशन में बन रहा है वो कंडीशन अगर बहुत भयानक है, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन है, करेक्ट? तो सिंपल सा बात है, ये पता है कि पढ़कर आपका लाइफ अच्छा होगा, बट सर एक्टिवेशन इज सो मच हाई, एग्जाम में बैठना पड़ रहा है, सुबह शाम तक पढ़ना पड़ रहा है, सब लोग 31 का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, राइट? समथिंग लाइक दैट, सेक्रीफाई कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, या नॉलेज गेन कर रहे हैं। चलिए, तो वेरी डिफिकल्ट। और Br2CCl4, यहाँ पे ए नहीं बोलिएगा कि सर हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन तो होता है, यहाँ देखिए सब लोग, क्योंकि मैं कभी कभी दिमाग में चलता है कि बोल क्या रहा हूँ और आप लोग सोच क्या रहे हैं। Br2FeCl3 इस कंडीशन पे रिएक्शन होगा ब्रोमिनेशन, बट मैं ए लिया हूँ CCl4, क्या लिए हैं, ए लेते हैं एडिशन के लिए, ठीक है? यहाँ पर रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। इसका मतलब बातें एक्चुअली इस पर यहाँ से स्टार्ट हुआ कि यहाँ भी सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ भी सी डबल बॉन्ड सी, बट जो रिएक्शन अल्किन दे रहा है, इवन इफ बोथ हैविंग सी डबल बॉन्ड सी, बट जो रिएक्शन ए परफॉर्म कर रहा है वो रिएक्शन ए परफॉर्म। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या इंडिकेट किया कि इसका कैरेक्टर इससे डिफरेंट है। बस दोनों में डबल बॉन्ड तो कॉमन है, सी डबल बॉन्ड सी, बट इसका कैरेक्टर इससे डिफरेंट है, करेक्ट? बाद में मैं लिखवा दूंगा, बाद में इन्वेंट किया गया कि इसका कैरेक्टर इससे डिफरेंट है, एक अलग दुनिया का प्राणी है जिसका नाम है एरोमेटिक सिस्टम। और एक और कहानी सुन लीजिए, इसका अगर बायोग्राफी पढ़िएगा, इस पर सबसे पहले काम कर रहे थे केकुले, हकल नहीं, कौन, बेंजीन का इन्वेंशन, बेंजीन का स्ट्रक्चर का, बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ, और बहुत सारे बातों के लिए, लेकिन कभी कभी होता है ना कि किसी खास काम के लिए आपको प्राइज मिल गया, मैन ऑफ द मैच। तो वैसे ही एक बेंजीन के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, तो इनको मतलब किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस काम करते रहिएगा। आप कोई सब्जेक्ट बना रहे हैं, प्रॉब्लम बना रहे हैं, समटाइम पक्का आपके लाइफ में कभी हुआ होगा कि पढ़ते जा रहे हैं, किसी एक प्रॉब्लम पर सोच रहे हैं, सो गए फिर भी वो दिमाग में आ गया, उसका सपना देखकर ड्रीम कर रहे हैं। तो एक कंटिन्यूस इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे, यूएफ देख रहे थे, बट नहीं काम हो रहा था। उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा, जैसे आप जानते हो ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजम, सोते हुए फंक्शन, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब एक ही बात को, एक ही पॉइंट पे आप कंटिन्यूस 24 आवर्स सोचते जा रहे हैं, करेक्ट? तब ऐसा हो सकता है, कोई भरी बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने देखा कि केकुले ने कि ब्लैक कोबरा अपने टेल को अपने माउथ में लिए हुए है, अपने टेल को, स्ट्रक्चर बिकम साइक्लिक, स्ट्रक्चर बिकम्स, वहाँ से क्लिक किया कि शायद ऐसा हो सकता है, अदर इससे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हो रहा था। स्ट्रक्चर बेंजीन का सबसे पहले इन्वेंट किसने किया, केकुले ने, लेकिन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट हकल लेकर आया, ठीक है? तो इस पर क्वेश्चन कहीं पर थियोरेटिकल क्वेश्चन मिल सकता है आपको, देखिए जैसे यहाँ पर देखिएगा, केकुले का कॉन्सेप्ट ये था इस एरो का, यहाँ देख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं बता रहा हूँ, केकुले का कॉन्सेप्ट क्या था, ये था, मतलब ये और ये आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन किए हुए हैं, करेक्ट? बट एक रियल इक्विलिब्रियम का मतलब रियल कंपाउंड हो गया, इक्विलिब्रियम के दोनों तरफ क्या रहता है, इमेजिनरी कंपाउंड या रियल कंपाउंड, बट हकल का कॉन्सेप्ट ये था कि रियल कंपाउंड नहीं है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो दोनों कॉन्सेप्ट में बस इतना का डिफरेंस था, ठीक है, करेक्ट है ना? एक किसका कॉन्सेप्ट था, हकल का, एक किसका कॉन्सेप्ट था, केकुले का। स्पेलिंग लिख लेंगे, चलिए एक लाइन आप लिखिए, दीज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्लियरली इंडिकेट दैट, दीज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्लियरली इंडिकेट दैट,
दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्लियरली इंडिकेट दैट बेंजीन डज नॉट बिहेव एज ओलिफिन. बेंजीन डज नॉट बिहेव एज ओलिफिन. ओलिफिन्स अल्किन का ही दूसरा नाम ओलिफिन होता है. पैराफिन्स मैंने अल्केन, बेंजीन डज नॉट बिहेव एज अल्किन ही लिख लीजिए. ओलिफिन्स नहीं समझ रहे हैं तो अल्किन्स. भाई ओलिफिन्स इसे बोलते हैं, इसको अल्किन ही मानिए. ठीक है. इवन इफ बोथ हैव सी डबल बॉन्ड सी. Even if both have C double bond C, comma, it is simply because benzene is aromatic system, but alkene is not aromatic system. It is simply because benzene is aromatic system, but alkene is not aromatic system. एक और पॉइंट लिखेगा. Aromaticity is character of some molecules or compounds. Aromaticity is the character of some molecules or compounds. Aromaticity is character of some molecules or compounds which does not allow them to behave as alkenes. हो गया ना. चलिए अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. रेजोनेंस उठा लीजिए, उठाइए. रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी. रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी. A molecule with very high resonance energy could be aromatic. A molecule with very high resonance energy can be aromatic. मतलब can be aromatic. इसका मतलब यहाँ देखिएगा, एक बात तो पता चल गया कि एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए रेजोनेंस होना पड़ेगा, थोड़ा या बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा करेक्ट. लेकिन वेरी हाई रेजोनेंस एनर्जी रहेगा तो मैं नहीं बोलूँगा मस्ट बी एरोमेटिक, कैन बी एरोमेटिक. करेक्ट है. चलिए स्टूडेंट तो यहाँ देखिए, सबसे पहले पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और सबका मैं एक एक एग्जांपल दे दूंगा. यहाँ देखिएगा सबका एक एक एग्जांपल देंगे जितना मैं बोल रहा हूँ. पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक सिस्टम क्या क्या हो सकता है सर? एरोमेटिक सिस्टम न्यूट्रल भी हो सकता है. हाँ या ना? एरोमेटिक सिस्टम कार्बोकटायन भी हो सकता है, कार्बा अनायन भी हो सकता है. मतलब एरोमेटिक कार्बोकटायन, सिंपल वाला नहीं,
कार्बोकैटायन और एरोमेटिक कार्बोकैटायन में दोनों में आसमान जमीन का डिफरेंस है, ठीक है। कार्बानायन भी हो सकता है, एरोमेटिक सिस्टम होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, एरोमेटिक सिस्टम हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, एरोमेटिक सिस्टम पॉलीसाइक्लिक हो सकता है और मोनोसाइक्लिक भी हो सकता है। इतना तरीके से हम आपको मिलेगा एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। तो सबका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसी को समझाने के लिए तो एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ तक लिखे, एक क्या है, न्यूट्रल है ना, इसमें कितना साइकिल है, वन, मोनो मतलब वन होता है, तो एक से एक साइकिल रहेगा तो उसको मोनोसाइकिल भी तो नाम दे सकते हैं। तो ये तीन डिफिनेशन को एक साथ सर्टिफाई कर दिया इस रिंग में, सिर्फ रिंग जो बना हुआ है सेम एटम से बना हुआ है, ये मोनोसाइक्लिक भी है, न्यूट्रल भी है, मोनोसाइक्लिक भी है और होमोसाइक्लिक भी है। क्या तीन को एक एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट है ना। चलिए, ये क्या है, मोनोसाइक्लिक, बट क्या ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है, एक से डिफरेंट एटम है तो इसको सर्टिफाई कर लिया। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये मुझे पता है, अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, एक कटायन है, क्या है, अरे रिंग के कार्बन पे कटायन है, बाद में आपको पढ़ाएंगे, डिफिनेशन लिखवा देंगे बहुत बढ़िया से। वैसा कोई भी कार्बोकैटायन जिसके वजह से वो एरोमेटिक सिस्टम बन पाया, किसके वजह से, एनी कार्बोकैटायन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, उसी को बोलते हैं एरोमेटिक कार्बोकैटायन। सबको नहीं बोलेंगे, लेकिन ये भी एक एरोमेटिक सिस्टम है, तो कार्बो एक कटायन भी हो सकता है कार्बोकैटायन। क्या इस डिफिनेशन को सर्टिफाई कर दिया, ये भी एरोमेटिक सिस्टम है, क्या इस डिफिनेशन को सर्टिफाई कर दिया। तो क्या सारे एग्जांपल पे को सर्टिफाई हम लोग कर लिए हैं या कोई बचा हुआ है, पॉलीसाइक्लिक बचा हुआ है, तो पॉलीसाइक्लिक तो अभी तो दिखाए थे, इसमें एक साइकिल है या एक से ज्यादा है, तो एक इसको डिफाइन कर दिया पॉलीसाइक्लिक को, नहीं नेफ्थलीन या एंथ्रासीन। इसका मतलब पहले तो जानना पड़ेगा ना कि ऐसा नहीं कि एरोमेटिक सिस्टम का मतलब सिर्फ बेंजीन, बेंजीन है सबसे ज़्यादा, हम लोग उसी पर ध्यान देंगे, बट एरोमेटिक सिस्टम क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, मोनोसाइक्लिक भी हो सकता है, पॉलीसाइक्लिक भी हो सकता है, कार्बोकैटायन भी हो सकता है, कार्बोनायन भी हो सकता है, होमोसाइक्लिक भी हो सकता है और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, इतना तरीके से हो सकता है। यहाँ तक हो गया, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। तो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन किसको समझाने के लिए मैं लिया हूँ, पॉलीसाइक्लिक को, ठीक है। इसको हटाया जाए एवरीवन, चलिए अब यहाँ देखिए,
कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, लिखिए पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, यहां देखिए पहला ही कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, मतलब ओपन चेन तो एरोमेटिक सिस्टम नहीं हो सकता, यहां पर ही कहानी खत्म हो जाएगा। सेकंड, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, साइकिल शुड बी प्लेनार, क्या बोल रहे हैं, बोलिए मैं ए पॉइंट क्यों बोला होगा, साइकिल शुड बी प्लेनार ए बोला होगा क्योंकि रेजोनेंस होने का एक सेकंड कंडीशन था, रेजोनेंस में अगर पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस करता है तो क्या प्लेनेटी नहीं रहेगा पाई बॉन्ड के बीच में, तो रेजोनेंस होगा, डिफरेंट प्लेन में रहेगा दो पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस नहीं होगा, तो प्लेनार बना के मेंटेन रखेंगे पूरा साइकिल जिसके बना हुआ है उसका एटम अगर प्लेन में रहेगा तो उसका पाई क्लाउड भी सेम प्लेन में दिखेगा तो आपस में रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। तो साइकिल शुड बी, इसका मतलब प्लेनेटी गायब रहेगा तो एरोमेटिक सिस्टम नहीं कहलाएगा। सर थोड़ा तो रेजोनेंस होगा, यहाँ थोड़ा ना चाहिए, यहाँ बहुत ज़्यादा चाहिए, एरोमेटिक सिस्टम में थोड़ा रेजोनेंस होता है या वेरी हाई, वेरी हाई। और थर्ड पॉइंट, साइकिल मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, साइकिल मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहां देखिए स्टूडेंट, समटाइम्स पाई इलेक्ट्रॉन कम होते रहता है तो हम लोग लोन पेयर या निगेटिव चार्ज का हेल्प लेते हैं, अगर लोन पेयर और निगेटिव चार्ज का हेल्प अगर नहीं लेते, यहां देखिए, तो ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं रहता है, ये सिस्टम इसके इलेक्ट्रॉन के हेल्प से एरोमेटिक है, इसका मतलब थोड़ा अगर पाई बॉन्ड का कमी हो जाएगा, जितना चाहिए उससे कम पड़ रहा है, तो कहाँ से हम लोग बोरो करेंगे, लोन लेंगे, लोन पेयर या निगेटिव चार्ज से, दैट्स वाई इस डिफरेंशन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और एज वेल एज लोन पेयर, अब ये कंप्लीट डिफरेंशन हो गया, ठीक है। बट लोन पेयर कब लेंगे, जब कमती पड़ेगा, किससे कमती पड़ेगा, पाई इलेक्ट्रॉन से, करेक्ट। एंड दिस रूल इज नोन एज व्हाट, मोस्ट फेमस कौन सा रूल, दिस इज नोन एज, एक मिनट, दिस इज नोन एज हाइकल रूल फॉर एरोमेटिसिटी, क्या है, क्योंकि उन्होंने एंटी एरोमेटिसिटी के लिए भी एक रूल बनाया था, इसे क्या बोलेंगे, दिस रूल इज नोन एज हाइकल रूल फॉर एरोमेटिसिटी, करेक्ट है। एंड सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4n+2 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट डीलोकलाइज ऐसे लिख लीजिएगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी इन्वॉल्व इन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी इन्वॉल्व इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, एक मिनट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, साइक रेजोनेंस सिर्फ होना नहीं पड़ेगा भाई, रेजोनेंस होकर पूरा रिंग में ऐसे घूमना पड़ेगा, साइकिल में घूमते रहना पड़ेगा, सब कुछ कंडीशन सर्टिफाई कर रहा है, यहां देखिएगा, और यहां से यहां तक आ रहे हैं और यहां से यहां तक जा रहे हैं, सारा कंडीशन है, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है पर साइकिल में नहीं हो रहा है, पार्ट ऑफ द साइकिल में हो रहा है, रिंग के अंदर थोड़ा देर दूर में हो रहा है, पूरा ऐसे नहीं घूम रहा है, करेक्ट। तो क्या इसको हम लोग बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो सारा कुछ होते हुए फिर क्या होना पड़ेगा, उन सारे पाई इलेक्ट्रॉन को कैसे रिवॉल्व करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट साइकिल में ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, साइक्लिक कंजुगेशन देखना पड़ेगा, पार्ट ऑफ द साइकिल या साइक्लिक, साइक्लिक, उस पर स्टार लगा दीजिए लास्ट पॉइंट पे।
हो गया ना। अब यहां देखिए, यहां देखेंगे क्या है एरोमेटिसिटी कंडीशन सर्टिफाई कर रहा है। एक मिनट, एक चीज तो छूट गया, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा रूल है, हकल रूल। n क्या है आप बोलिएगा सर, बाकी कोई नहीं बोलेगा। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है n वहां पे, यहां जो n है फॉर्मूला में सारा टर्म तो जानना पड़ेगा ना भाई, n क्या है। सर कुछ तो होगा, वो n क्या है, बोलिए बोलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते। नंबर ऑफ रिंग क्या है n, कैसे काम चलेगा भाई, हकल रूल जानते हैं, जान पहले तो नाम सुने होंगे। एन है इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, कुछ नहीं है एन, क्या है लिखिए, इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मतलब एन का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। एक मिनट, अब तो याद रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग n का वैल्यू जीरो रहेगा तो कितना वैल्यू आएगा, इसका मतलब है कि एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन को पूरा साइकिल में घूमना पड़ेगा, राइट, क्या करना पड़ेगा, साइकिल में घूमना पड़ेगा, करेक्ट। एन का वैल्यू 1 रहेगा तब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बटे 6 इलेक्ट्रॉन को साइकिल में क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, मतलब इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 है तो एरोमेटिक हो सकता है नहीं हो सकता है, तो देख लेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग 6 मिलता था या नहीं मिलता था। अब यहाँ से इस फार्मूला में एन का वैल्यू 0, 1, 2, आपको कोई बोलेगा टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है, इसको एरोमेटिक बनाया जा सकता है, आपका आंसर क्या रहेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 5, क्या एरोमेटिक बनाया जा सकता है, तो इक्वल टू 5 कर दिया जाएगा, तो 4n इक्वल टू व्हाट 3, देन n इक्वल टू 3/4 फ्रैक्शनल वैल्यू, बट यहाँ पे n फ्रैक्शनल है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, टोटल इलेक्ट्रॉन देकर पूछा है क्या ऐसा लेकर एरोमेटिक सिस्टम बनाया जा सकता है या नहीं, तो ये क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब n का वैल्यू का कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं, मान लेते हैं ऐसे देते 4n प्लस 2 इक्वल 32 मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो 32 इलेक्ट्रॉन तो का तो आप दुनिया देखे नहीं हैं, अब एक बार सुन तो लीजिए क्वेश्चन और तब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन का लेकर सिस्टम मेरे मतलब होगा, हो सकता है 18 इलेक्ट्रॉन 22 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकता है, आप वहाँ तक नहीं पढ़े हैं क्योंकि हम लोग का वहाँ तक सिलेबस नहीं है, तो वहाँ तक उतना इलेक्ट्रॉन लेकर एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है नहीं हो सकता, बस इतना है, तो बन सकता नहीं बन सकता, उसका पहला तो चेक यहाँ से ही करेंगे, 4n प्लस 2 इक्वल टू 32, देन 4n इक्वल टू 30, देन n इक्वल टू 7.5, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया था, इस कॉन्सेप्ट को चेक, ये हम मिल गया फ्रैक्शनल वैल्यू, n फ्रैक्शनल हो सकता है, ये तो हकल रूल को ही सर्टिफाई नहीं किया, तो ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कि 32 का आपको सिलेबस में है, इसलिए कि आपका 4n प्लस 2 फार्मूला सिलेबस में है, ये चेक करने के लिए दिया गया था, और ये ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा हुआ है हम लोग के टाइम पे, टेस्ट सीरीज में मेरा आया था, कितना इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक सिस्टम हो सकता नहीं सकता है, इसका चेक एक किया जा रहा था कि आप इनके बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या बोला।
तो आप तो इतना श्योर है कि 5 इलेक्ट्रॉन से पूछेगा कि एरोमेटिक होगा या नहीं, तो आंसर क्या रहेगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 4n+2 से n निकालेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा, बट n शुड बी व्हाट? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। चलिए n का वैल्यू 2 रहेगा तो स्टूडेंट 10, n का वैल्यू 3 रहेगा तो 14, 4 रहेगा तो 18, 5 रहेगा तो 22, मतलब चार चार का इंक्रीज हो रहा है, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, इस टाइप का इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एरोमेटिक सिस्टम बन सकता है। तब इसको रट्टा मारने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन फार्मूला ही आपके हाथ में है, बट याद रखिएगा एन क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। एन नंबर ऑफ रिंग नहीं है, ना ही एन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, राइट? एन क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो हो गया। तो आज जस्ट एरोमेटिसिटी का इंट्रोडक्शन करके छोड़ रहा हूँ क्लास को, ठीक है? यहाँ से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा।